हमारे एनवायरनमेंट में सबसे पहले पानी पे काम किया जा रहा है, क्योंकि पानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है दुनिया में। जैसे देखा जाए कि पानी सबसे ज़्यादा पानी की कमी हो रही है, तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी पानी की कमी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, बनिस्बत कम हो। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी पानी की कमी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें हमें ज़्यादा पानी की जगह कम पानी की मिकदार में प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो हमने ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम अपना जो लॉन्च किया, इसमें हमारे पास वेस्ट बॉटल्स उठाई थी हमने, जिसमें वेस्ट ड्रिप्स पाइप्स लिए हमने, और इसके हमने ड्रिप्स इरीगेशन की, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम पानी में प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वाटर अवेयरनेस बहुत लोगों में कम है। वैसे मैं सबसे पहले लोगों को कहूँगी कि अपने घरों में, अपने घर से फर्श से माशरा बनता है, तो इस वजह से अपने आप को पहले सही करें। घर में अगर आप पानी का नल ज़्यादा खोल रही, एक बर्तन के लिए और पूरा पानी का नल खोल रही, तो इससे अच्छा है कि आप कम पानी इस्तेमाल करें। कम पानी में भी बर्तन धुल सकते हैं और ज़्यादा पानी में भी बर्तन धुल सकते हैं, लेकिन पानी की कमी ज़्यादा होती जाए। अभी तक तो हमने सिर्फ ड्रिप इरीगेशन पे काम किया, आगे मर्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी डेली रूटीन में होता है नहाना, और औरत ने अपने काम के लिए, वो बिला वजह इस्तेमाल नहीं करती पानी, उसने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे बर्तन धोने हो गए, ये लाजमी चीज़ें, रूटीन की चीज़। सिर्फ माँ ही का क्यों, हम सब का क्यों नहीं है इस माशरे में। हर माँ को चाहिए कि अपने घर में अपने बच्चों को ये समझाए पानी के हवाले से कि पानी कम से कम खर्च किया जाए, ताकि हमारे पास पानी की कमी, जो आगे हम लोग ने आगे जाना है हमने, तो हमें लगता है कि 2025 तक हम, जैसे कि सुन रहे हैं कि 2025 तक हमारे पास पानी की कमी की ज़्यादती होती जाएगी, ना कि पानी हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि बारिशें कम है और पानी लेवल, हमारे पानी का जो लेवल हमारे पास कम से कम होता जा रहा है। तो इस हवाले से माओं को अपने बच्चों को, क्योंकि माएँ ज़्यादा तरबियत कर घर में होती हैं और माएँ बच्चों पर ज़्यादा फोकस रखती हैं इस बात पर, कि अपने बच्चों को समझाएँ कि पानी की कम से कम इस्तेमाल करें।